हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है कि हमको इक्वेशन दी गई होगी। इक्वेशन है ये, इसको फर्स्ट इक्वेशन डालेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन हमको सॉल्व करने है किस मेथड से? टू मेथड से, जो मेथड हमको दिए गए हैं। तो जो टू मेथड होंगे वो सेम मेथड होंगे। अगर एक मेथड का वाई की वैल्यू वही आएगी, एक्स की वैल्यू वही आएगी, तो सेकेंड की भी वही वैल्यू आएगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकेंड ये हमें थर्ड टर्म बनाए, तो थर्ड टर्म बनाने के लिए हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड और मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट वाले डिजिट है इसको टू से। तो टू ब्रैकेट में एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में फाइव, टू एक्स जा टू एक्स, टू वाई जा टू वाई, टू फाइव जा टेन। हो गया, तो बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, सो हम थर्ड इक्वेशन में से इसको सेपरेट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे, सेम सा वेरिएबल भी सेम है और टू टू भी सेम है। और ये देखिए नीचे वाला साइन चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 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 होगा, तो प्लस का क्या आएगा फाइव बाय इक्वल टू में सेम साइन से डिफरेंट साइन, सबट्रैक्शन माइनस होगा तो क्या आएगा सिक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स अपॉन में फाइव, y की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x प्लस में y की जगह पे हम 6 अपॉन 5 कर देंगे इक्वल टू में 5। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू में 5 अपॉन में 1 माइनस 6 अपॉन में 5। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 5 5 जा 25 माइनस का 6 अपॉन में 5 x इक्वल टू। तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 19 अपॉन में 5 x इक्वल टू। ओके, तो अब दो ही कट नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एलिमिनेशन मेथड में। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, सेकंड मेथड में भी सेम ही चीज रहेगी, तो हम करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x प्लस में y इक्वल टू में 5, x इक्वल टू में y सॉरी 5, तो y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर ये डालेंगे, मीन्स टू ब्रैकेट में 5y ब्रैकेट क्लोज माइनस में 3y इक्वल टू में 4। ओके, तो 5 टू जा 10, 2y हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 4y इक्वल टू में 4, मीन्स 10 सेम साइन एडिशन, एडिशन लेकिन माइनस का इशारा आएगा, आएगा तो 5 4 हो जाएगा, तो माइनस का 5 इधर ही रहेगा इक्वल टू में 4, यहाँ पे प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 6 अपॉन में 5 आएगी। देखिए y की वैल्यू इसमें भी 6 अपॉन 5 आई है। अब हम ऐसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस में y इक्वल टू में 5, तो x प्लस में 6 अपॉन में 5 इक्वल टू में 5, x इक्वल टू में 5 अपॉन में 1 माइनस 6 अपॉन में 5। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 5 आएगा, 25 माइनस बाय 6 x की टर्म निकलेगी, x की टर्म आएगी हमारी 19 अपॉन में 5। तो देखिए इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ए पार्ट। थैंक्स।